जैसे कि आपको पता है नवरात्रे आ चुके हैं, आप सबको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस नवरात्रे स्पेशल में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, दही वाला पनीर। आज मैं आपको बताऊंगा आसानी से अपने घर में दही वाला पनीर कैसे बनाएं। दही वाला पनीर बनाने के लिए आपने लेना है आधा कप काजू और आधा कप मगज। इसमें आपने डालना है पानी अपनी मर्जी से, दो तीन चार कप डाल के, ये देखिए इसको अच्छी तरीके से उबाल लेना है। ये देखिए काजू हमारे उबल चुके हैं, आपने भी ऐसे ही उबालना है। उबालने के बाद आपने इसको छान लेना है, छान के ठंडा कर लें। जब आपके काजू मगज ठंडे हो जाएंगे तब आपने इसको मिक्सी में डालना है और इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है थोड़ा पानी डाल के। इस तरीके से आपने पीस के पेस्ट बना लेना है जैसा कि मैंने पीसा। ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ हो गया है, ऐसा ही आप भी पीसें। उसके बाद आपने लेना है दो कप दही, दही के अंदर जो हमने काजू और मगज का पेस्ट बनाया था वो डाल दें, ये देखिए, और इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है बिना पानी डाले या कुछ डाले, पहले अच्छे से फेंट लें ताकि दही में दाना ना रहे। ये देखिए ऐसे फेंटने के बाद आपने इसमें डालना है आधा कप पानी और फिर फेंट लेना है। आपने देखा हमने आधी से ज्यादा तैयारी कर ली है, आप भी ऐसे ही कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है, पनीर काट लेना है और पनीर को सेक लेना है। आपको दिखाता हूँ आपने कैसे काटना है और कैसे रोस्ट करना है। मैंने लिया है 500 ग्राम पनीर, लेकिन ये काटूंगा छाटूंगा तो 400 ग्राम रह जाएगा, पहले आपको बता दे रहा हूँ। आपने ये देखिए इस तरीके से काटना है, एक और दो, ये देखिए एक कम हो गया। उसके बाद आपने यहां से दो करने ऐसे और इस तरीके से देखिए मोटा मोटा काट लेना है आपने ऐसे। अब ये बचा 400 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर पनीर को डाल देना है। पनीर बॉल में डालने के बाद आपने इसमें डालना है एक टीस्पून देगी मिर्च, दो पिंच हल्दी, दो पिंच कसूरी मेथी पाउडर, आधा टीस्पून नमक, एक पिंच इलायची पाउडर और आपने इसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल दो टेबल स्पून। उसके बाद आपने इसको ऐसे ही देखिए अच्छे से मिक्स करना है प्यार से। अब चलते हैं गैस के ऊपर। आपने लेना है एक नॉन स्टिक पैन, सबसे पहले आपने डालना है देसी घी, दो टेबल स्पून डालें या फिर आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने भी तीन डाल दिए हैं और इसको ये देखिए ऐसे चारों तरफ आपने इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपने पनीर ऐसे ये देखिए रख देना है, सारा पनीर आप रख दें। इसको हम करेंगे सेलो फ्राई। गैस आपकी स्लो होना चाहिए, ज्यादा फास्ट ना रखें नहीं तो क्या है जल जाएगा। आराम से आपने सेलो फ्राई करना है। देख रहे ना आप कितनी अच्छी तरीके से पनीर रोस्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, पहले ऐसे पैन को थोड़ा सा हिलाना है इस तरीके से। ऐसे हिलाने के बाद अगर आपका पनीर टाइट है आप टोंग से पकड़ सकते हैं, तब आप ऐसे टोंग से पकड़ें इस तरीके से और ये देखिए ऐसे आपने घुमा देना है। कलर देखा कितना अच्छा आ गया, ऐसा ही कलर लेना है। ये देखिए ऐसे ही अब मैं पलट दूंगा, सभी मैंने पलट लिए हैं। अब मैं इसी तरीके से पलट पलट के चारों तरफ अच्छे से कलर ले लूंगा, आप भी ऐसे ही अच्छे से कलर लें। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका पनीर नीचे चिपक जाए बाय मिस्टेक तो आपने क्या करना है, स्लाइसर से इस तरीके से देखिए ऐसे ऐसे छुटा लें, फिर ऐसे पलट दें। ये देखिए ऐसे छुटा के और ऐसे पलट दें, ये भी एक तरीका है अगर चिपके तो। अगर आपने टोंग से नहीं पलटना है या फिर आपके पास टोंग नहीं है तो आप ऐसे स्लाइसर से पलट सकते हैं। अब ये हो गया है, मैं कर दूंगा गैस बंद। अब है तड़का मारने की बारी। मैं तड़के में अदरक डालने वाला हूँ। अगर आप नवरात्रि में अदरक नहीं खाते हैं तो आप अदरक को हटा दें, बिना अदरक के तड़का मार लें। मैं इसमें लौंग भी डालने वाला हूँ और इलायची भी डालने वाला हूँ, तो आप चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बहुत ही मस्त रेसिपी है, इससे अच्छी रेसिपी आपको मिलेगी नहीं नवरात्रे में ग्रेवी वाली।
तो आप जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तड़का मारने के लिए आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने डालना है देसी घी 4 टेबल स्पून। घी डालने के बाद आपने इसमें डालना है 2 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक जूलियन कटी हुई। इन सबको आपने देखिए ऐसे चटकाना है अच्छे से और गैस कर देना एकदम स्लो। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून देगी मिर्च, गैस स्लो करके आधे से आधा टीस्पून हल्दी, और ये देखिए ऐसे आपने इसको चलाया और फटाक से इसमें आपने डाल देना है दही और काजू जो हमने फेंट के रखा था। ये देखिए गैस आपने की चालू, स्लो में करें, फिर आपने ये देखिए ऐसे मिक्स किया। अब आप कलर देखें कितना अच्छा आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से मिक्स करें और चलाते रहें जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए ना। आपने ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाना बंद नहीं करना है। उबाल आने के बाद आपने क्या करना है आपको बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा लैडर ले लूंगा, उससे क्या होगा मेरा हाथ नहीं चलेगा। ये देखिए अब इससे क्या होगा मेरा हाथ नहीं चलेगा, तो आप ऐसे बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं चलाने के लिए और लगातार ऐसे चलाते रहना आप। जब आप इसको ऐसे चलाएंगे तब आपको लगेगा कि एकदम ये पतला हो गया है पानी जैसा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें काजू और मगज डाले ना, उससे ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा आप टाइम दें, ऐसा ना सोचें कि ये खराब हो गया, खराब नहीं होगा, बस आपने चलाते रहना है, चलाना बंद नहीं करना है। अगर चलाना बंद कर दिया तब ये खराब हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब इसका कलर है ना बहुत ही अच्छा आया है, ऑरेंज कलर आया है, लेकिन मैं वीडियो मोबाइल से बनाता हूँ उसमें पता नहीं क्यों पीला पीला लग रहा है, तो इसका कलर असली जो कलर है वो ऑरेंज है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका कलर शेफ ने कैसा बताया है, ऑरेंज। ये देखिए गाढ़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, गैस कर देना है एकदम स्लो, या फिर आप बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है मसाले, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच कसूरी मेथी पाउडर, नमक आपने इसमें डालना है बरत वाला, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आप ये ना बोलें कमेंट में कि सेफ आपने तो नॉर्मल नमक डाल दिया, सफेद दिख रहा है। मैंने जो भी डाला लेकिन आपने बरत वाला डालना है, क्योंकि आप नवरात्रि में बरत वाला बना रहे हैं। मेरा बरत नहीं है इसलिए मैं नॉर्मल नमक डाल रहा हूँ। और आपने इसमें डालना है आधा टीस्पून जीरा पाउडर। उसके बाद आपने ये देखिए ऐसे इसको चलाना है। वाह, ऐसे चलाने के बाद आपने इसमें डाल देना है पनीर जो हमने रोस्ट करके रखा था। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया ना, वाह। पनीर डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून धनिया के पत्ते। ये देखिए और इसको हल्के से प्यार से ऐसे मिक्स करना है। गैस कर देना है आपने फास्ट। ये देखिए ऐसे आपने मिक्स किया और चलाना है प्यार से। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, दिल से मैंने बनाई है, आपने भी दिल से बनाना है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी करें। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए मजेदार बेहतरीन, आपको चखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फास्ट है ना, बिना चखे मुझ पे भरोसा करके ऐसे ही बना लें, बस मजा आ जाएगा। मैंने भी नहीं चखा है क्योंकि मैं भी ऐसे ही बनाना चाहता हूँ जैसे कि आप बनाएंगे बिना टेस्ट किए। अब हम इसको कर देंगे पिकअप। ये देखिए और पनीर इतना नरम हो गया ना, मजा आ जाएगा। इसके ऊपर आपने डालना है देखिए हल्की सी ग्रेवी, ऐसे आपने इसको ये देखिए हिलाया और इस पे कर देना है गार्निशिंग। गार्निशिंग आप क्या करेंगे, धनिया के पत्ते और हमारा फेवरेट अदरक। रोगन आपने नहीं डालना है क्योंकि आपके बरत हैं, अगर बरत नहीं है आपके
तो आप रोगन डाल सकते हैं। अब मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में।